तो हे गाइस, हमने पिक्चर ओपन कर लिया है। अरे देखो फोटो, जो कि इस फोटो को हम आज एडिट करने वाले हैं। तो गाइस पहले इसको काट करना पड़ेगा, तो इसका बैकग्राउंड इरेज करते हैं। चलो जाएंगे ड्रॉ टूल में और उसके बाद हम यहाँ से कलर सिलेक्ट करेंगे, जो कि ग्रीन कलर सिलेक्ट करेंगे और उससे राइट कर देंगे और ब्रश देख लेंगे। इसका जो साइज है वो फुल कर देंगे, ये वाला ब्रश सिलेक्ट करके साइड साइज फुल, अपॉर्चुनिटी भी फुल। उसके बाद सेट करने के बाद देखो इस साइड से मतलब हम लोग जस्ट ब्रश कर देंगे। मैंने पहले भी इसके बारे में मतलब इस तरह से कैसे बैकग्राउंड इरेज करता है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ एक वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग चाहो तो वहाँ से देख लेना। तो अब चलिए गाइस, इसको मैं स्पीड करके इरेज कर लेता हूँ। तो मैं जाऊंगा अभी लेयर पे, लेयर पे जाने के बाद इसका जो ब्लेंडिंग मोड है एक्सप्लोर कर दूंगा और ऐसे में कर दूंगा फ़ोटो को सेव। ओके तो इतना हो चुका है, अब हमें ऐसे निकलना है। तो पहले हम बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो ये रहा बैकग्राउंड, इसको मैंने ले लिया और बैकग्राउंड का लिंक सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब चलते हैं ऐड फोटो में और ऐसे हम फ़ोटो को ले लेते हैं। ओके तो इतना परफेक्ट है। अब हमें इरेजर में जाएंगे और इसका जो हार्डनेस है हम कर देंगे 95 के आसपास। ओके तो अब हमें ऐसे इरेज कर देंगे। तो इतना हो चुका है, अभी ऐसे हम कर देंगे राइट। तो फोटो देखो अभी मस्त लग रहा है यार, बाद में क्या लगेगा। तो गाइस पिक्चर के काम ख़त्म हो गए, हम ऐसे अब 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और फोटो को कर देंगे सेव। और अभी हम चलेंगे लाइट रूम में और बहुत सारे लोगों को भाई ये सोच रहा है कि भाई शेडो नहीं बनाया, तो भाई लाइट रूम से हम शेडो क्रिएट करेंगे। तो हम अभी चलते हैं लाइट रूम में। तो कहाँ गया लाइट रूम बाबा, सबका बाप बाप है लाइट रूम। तो हम फोटो को अभी ऑन कर लेते हैं ऐसे। ओके तो फोटो हम हमारा लाइट रूम में आ चुके हैं। अभी हम सिलेक्टिव टूल में जाएंगे ऊपर, और जिसका भी सिलेक्टिव टूल यूज़ नहीं है प्रीमियर नहीं है वो पिक्सार से शैडो क्रिएट कर लेना। और बहुत सारी चीज़ें जो सिलेक्टिव टूल में काम होता है तो वो लोग आप लोग नहीं कर सकोगे। तो कैसे कुछ नहीं करेंगे, एक सर्कल नीचे लेंगे और सर्कल को थोड़ा साइड में लेंगे और ऐसे एक्सपोजर को हम थोड़ा सा कम कर दें, आप लोगों ने तो देख ही लिया। तो देखो एक परफेक्ट मतलब शैडो की तरह बन चुका है अभी। तो इतना तो हो चुका है, अभी हमें जाना पड़ेगा और सूरज वाले आइकॉन पे मतलब लाइट वाली एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा कर देंगे हम, इसका ज़्यादा नहीं। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को भी ज़्यादा कर देंगे और हाईलाइट को थोड़ा कम, शेडो को थोड़ा सा ज़्यादा और वाइटनेस को भी कम कर देंगे और ब्लैकनेस को भी कम। ओके गाइस इतना हो चुका है, अभी कलर पे जाएंगे, वाइब्रेंस ज़्यादा कर देंगे और सैचुरेशन थोड़ा माइनस। उसके बाद मिक्स में जाएंगे, ब्लू लेंगे, ब्लू का जो सैचुरेशन है वो कम कर देंगे थोड़ा सा। और उसके बाद स्काई वाले कलर को भी सिलेक्ट करेंगे, उसका भी सैचुरेशन थोड़ा कम। उसके बाद ऑरेंज का लूमिनेंस थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे 6, इसका फेस पहले से ही ब्राइट है। उसके बाद येलो का जो शेडो है मतलब सैचुरेशन है वो कम कर देना है। और इतना हो चुका है अभी ऐसे। तो गाइस हम ऐसे कर देंगे डन, उसके नीचे जाएंगे, इसका क्लियरिटी ज़्यादा देंगे थोड़ा 8। उसके बाद विग्नेट को कम कर देना है 17 माइनस। उसके बाद शार्पनिंग थोड़ा सा ज़्यादा और नॉइस रिडक्शन को भी ज़्यादा कर देंगे 33 ठीक है। तो आप देख सकते हो फोटो, और उसके बाद कलर्स नॉइस रिडक्शन को भी ज़्यादा कर देंगे। और फिर से सिलेक्टिव टूल सिलेक्ट करने के बाद इस बार इस वाले को सिलेक्ट करेंगे और नीचे से एक डार्क लुक देंगे। ओके तो देखो इतना हो चुका है, तो एक्सपोजर कम कर देंगे थोड़ा सा, बस इतना हो चुका है, अब ऐसे कर देंगे राइट। तो गाइस आप लोग फ़ोटो देख सकते हो अभी कितना बढ़िया बन चुकी है, आप लोग तो थंबनेल पे देख ही चुके हो। और गाइस क्या बताओ, चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट पे बताना कि कैसे लगी है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में आना चाहिए, क्योंकि चैनल आपका ही है, आप जो कहेंगे वही मुझे सुनना पड़ेगा। तो हम ऐसे अभी कर देते फ़ोटो को एक्सपर्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।